सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को फिर से भारतीय टीम में खेलना चाहिए तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में चल रही 3 मैचों की T20 सीरीज आखिरकार ड्रॉ होकर खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि इस सीरीज के ड्रॉ होने की वजह रही साउथ अफ्रीकी टीम का जीतना। 9 विकेट के बड़े अंतर से साउथ अफ्रीकी टीम ने सीरीज के तीसरे मुकाबले को अपने नाम कर लिया, जिसमें सबसे बड़ा योगदान रहा उनकी टीम के कप्तान क्विंटन डीकॉक का। आपको बता दें कि इस मुकाबले में क्विंटन डीकॉक ने अकेले ही अपनी टीम के लिए 79 रनों एक तूफानी पारी खेली। अगर बात करी जाए भारतीय टीम के प्रदर्शन की तो आपको बता दें कि मुकाबले की शुरुआत से ही भारतीय टीम का प्रदर्शन उतना ज्यादा बेहतर ही नहीं था। पहले भारतीय टीम ने बल्लेबाजी करते 20 ओवर का सामना किया और 9 विकेट गंवाकर बस 134 रन ही बनाए। उसके बाद फिर भारतीय टीम के गेंदबाज भी ज्यादा अच्छी लय में नहीं नजर आए, जिसके चलते साउथ अफ्रीकी टीम को जीतने में और भी ज्यादा आसानी हुई। खैर दोस्तों, कुल मिलाकर बात तो यही है कि भारतीय टीम अब इस मुकाबले को हारकर इस सीरीज को ड्रॉ करवा चुकी है। लेकिन इस सीरीज के ड्रॉ होने के बाद भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली का गुस्सा साफ देखा जा सकता था। लेकिन इस हार के बावजूद विराट कोहली ने ऋषभ पंत को लेकर मैच के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा कहा कि सबके होश उड़ गए। आपको बता दें कि मैच के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान विराट कोहली ने कहा कि साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले में हमारी टीम का प्रदर्शन वाकई में काफी ज्यादा निराशाजनक रहा। बात चाहे गेंदबाजी की करी जाए या फिर बल्लेबाजी की, हर पहलू में साउथ अफ्रीकी टीम आज हमारे खिलाड़ियों से एक कदम आगे थी। हमें अपनी बल्लेबाजी पर और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और विरोधी टीमों के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी करने की भी। आप हर मुकाबले में बड़ा स्कोर नहीं बना सकते और अगर आप छोटा स्कोर बनाते हैं तो आपको उसे बचाना भी सीखना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि इस हार से हमारी टीम के खिलाड़ियों ने काफी कुछ सीखा, क्योंकि आगे जल्दी होने वाली T20 सीरीज में हमारी टीम के सभी खिलाड़ियों के काफी काम आने वाला है। दोस्तों, इसके बाद जब रिपोर्टर ने विराट कोहली से यह कहा, खासतौर पर ऋषभ पंत ने तीसरे T20 मुकाबले में DRS के कई खराब फैसले लिए, साथ ही उनकी परफॉर्मेंस भी सीरीज में काफी ज्यादा एवरेज रही है, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों, इस बात का जवाब देते हुए विराट कोहली ने कहा, इस बात में तो कोई शक नहीं कि ऋषभ पंत एक उम्दा खिलाड़ी हैं। हाँ, यह बात भी सच है कि उनका बुरा वक्त चल रहा है, वे अच्छी फॉर्म में नहीं है और लगभग किसी भी टीम के खिलाफ हर मुकाबले में ज्यादा रन नहीं बना रहे। और जब कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने मौके मिलने के बाद प्रदर्शन ना करे तो उस पर सवाल उठना तो लाजमी है। परंतु मेरे नजरिए में पंत अभी एक युवा खिलाड़ी है जो कि फिलहाल सीख रहे हैं। पूरा यकीन है कि वे अपनी फॉर्म पर काम करेंगे और आने वाले सीरीज में वह ज्यादा रन बनाएंगे और अच्छी विकेट कीपिंग भी करेंगे। लेकिन जहाँ बात आ जाती है DRS रिव्यू के फैसले लेने की, तो शायद मेरे नजरिए में वह धोनी भाई से बेहतर तो कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, इस पूरी सीरीज में ऋषभ पंत का प्रदर्शन काफी ज्यादा एवरेज रहा, अब उस पर सवाल तो उठने हैं। साथ ही धोनी की वापसी को लेकर भी अब और भी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में विराट कोहली ने धोनी का जिक्र किया, उससे पता चलता है कि टीम को उनकी कितनी जरूरत खल रही है। परंतु आप सभी को क्या लगता है, जब बात ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी की आती है तो कौन एक बेहतर विकेट कीपर बल्लेबाज है? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।